बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी YouTube फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आखिर से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं, हमारे देखने वाले जहाँ भी रहे हमेशा खुश रहे, आबाद रहे और हंसते मुस्कुराते जी। तो इसने एक दो के साथ कहते हैं आज ब्लॉग शुरू, जिस भी मैंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें सब्सक्राइब। अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है ना धूप बहुत ही अच्छी निकली हुई है, अलविदाई कहे हैं सर्दी को, क्योंकि अब सर्दी जा रही है आस्ता आस्ता, जिंदगी रही तो फिर सर्दी को देखेंगे। और दादा जान जो है ना अभी धूप लगवा रहे हैं, हम लोग सभी धूप में बैठे हुए थे। तो जो है ना अभी आयत फातिमा का दूध वाला आया, मैं दूध जोश कर रही थी आयत का। तो आज जो है ना हमारी तैयारी है अम्मी के घर जाने की, वहाँ पे भाभी की दो तीन दिन से तबीयत ख़राब थी और मेरे घर में भी मेहमान आए हुए थे, मजबूरी है मेरी भी, मैं नहीं जा सकी क्योंकि अम्मी और बहनों की जब तबीयत ख़राब होती फ़ौरन चली जाती हूँ। और जो है ना आज तीन दिन हो गए भाभी की तबीयत ख़राब थी तो मैं नहीं जा सकी क्योंकि घर में मेहमान थे। इसलिए मेहमान तो अभी भी इधर ही हैं, लेकिन जो है ना मैंने उनको बोला है मैं मजबूर हूँ क्योंकि मेरी मजबूरी है जाना, मेरी भाभी है, दोस्त है, तो इसलिए भाभी को भी, भाभी की तबीयत को पूछना भी ज़रूरी है। तो मैं अभी तैयारी कर रही हूँ, बच्चों को भी तैयार कर रही हूँ और ख़ुद भी तैयार हो रही हूँ। यहाँ पे दूध भी उधर जोश हो रहा है अंदर सिलेंडर पे, तो अभी तैयारी करके फिर आपके साथ वहाँ। अल्हम्दुलिल्लाह आया फातिमा का दूध, मैंने जो है ना जोश करके ठंडा कर लिया है, थोड़ा बहुत गर्म था मैंने बोतल में डाल लिया, तो आया भी तैयार हो गया, मैं भी तैयार हो गई, सबसे इजाज़त ले ली। मैंने कहा दादा जान को भी बता दूँ कि मैं जा रही हूँ, भाभी की तबीयत ठीक नहीं है। तो दादा जान को मैंने बोल दिया, दादा जान कह रहे शाम को सर्दी होती तो बच्चों का भी ख्याल रखना, अपना भी, और सलाम भी दे देना अम्मी लोगों को। तभी रवाना होते हैं, अब सौर साइम आगे चले गए भाग के बाहर। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग पहुंच चुके हैं, रिक्शे वाले ने रोड पे उतारा तो वहाँ से पैदल आए हैं, तो थक भी गए, सांस भी फूल गया, आयत को उठाया तो उठाया और मैं भी बहुत थक गया, मैंने देखा बैग उठाया हुआ। अच्छा, सबसे ज्यादा साइन थक गया क्योंकि ये पैदल खाली आया है। हम दोनों नहीं थके तो चलते हैं, अभी बस बिल पहुँच ही चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मुस्तफ़ा भी आ गए, मेरी जान। तो चलते पहुंच चुके हैं, आया तो उतरो नीचे, नहीं उतरना, सलाम करते। मैं अपनी कजन को मिलती हूँ पहले, ज़ैनब को अस्सलाम। कैसी हो? ठीक, आप सुनाओ कैसे हो? अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तबीयत ठीक है, बस आपकी भाभी जान की इनकी वजह से तो हम आए हैं। चलो शुक्र है मेरी सिस्टर आ तो गई, लेकिन उस दिन तो मेरी बहुत ज्यादा तबीयत खराब थी, पर मेरे घर में मेहमान थे ना इसलिए लेट हो गए। नहीं, ये चीज़ भी मैं समझती हूँ, सारी बात है, घर को तो संभालना ही पड़ता है, ऐसी बात। चलो ठीक हो, चलो बैठो उधर। अस्सलाम वालेकुम, ठीक है, शुक्र है, सब ठीक है, सब ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। अब मेरे बहन भाइयों को सलाम करो, सलाम अलैकुम। अम्मी जी सलाम कर रही हैं, तो अभी बुरका उतारते हैं, पानी वानी पीते हैं, फिर जो भी होगा आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह पानी शानी पी के, और जो है ना यहाँ पे भाई जान पौधों को पानी लगा रहे थे, मैं भी आ गई हूँ, कैसे अच्छे लग रहे हैं पौधे और पानी कैसे जा रहा है खूबसूरती के साथ। क्योंकि खुराक देना तो लाजिम है, क्योंकि इनको पानी ना मिले तो फिर ये सूख जाएंगे, इसलिए भाई जान तीन चार दिन बाद, एक दो दिनों में, तीन दिनों में जो है ना पानी जरूर लगाते हैं। अभी लाइट आ गई थी तो मैंने कहा चलो इनको पानी लगा दूँ, क्योंकि वैसे तो जो सुबह लगाते हैं जो शाम को, ज़्यादातर सुबह ही लगाते हैं, तो लाइट नहीं थी, लाइट अभी आई है तो हमने कहा चलो पानी लगा दें। हाँ सही बात है, ठीक है, पानी तो ज़रूरी है इनको लगना, अभी तो मौसम कुछ नॉर्मल है, जब गर्मी आएगी तो फिर तो दो तीन टाइम तो बैठे उधर, बड़ी हाँ जी बैठते हैं, आप लोगों के लिए एक सरप्राइज बना रही है। अच्छा, तो आप बच्चों के लिए, हम के लिए, आपके लिए, सबके लिए, आप भी बैठे वहाँ जी, बिल्कुल बैठते हैं, बड़ी सिस्टर के पास चलते हैं। जैसे ही हम लोग पहुंचे तो हमारे लिए जो बन रहा था यहाँ पे हलवा पूरी, तो मैंने कहा भाभी आप हट जाए मैं आटा गूंद देती हूँ, तो बड़ी बाजी जो है ना वहाँ पे हलवा बना रही है, बाकी सब पूड़ियाँ जो है ना हम लोग मिल के बेलेंगे। यहाँ पे बेलना चकला भी रख दिया गया है, भाभी को मैंने बोला थोड़ी देर रेस्ट कर ले। इतना बड़ा जवान आपको नजर नहीं आया, बाजी नजर आई है। वो बीमार है ना, उसकी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पूड़ियाँ जो है ना बिल्कुल तैयार है, फ्राई भी कर ली है बाजी ने,
तो हलवा भी तैयार हो गया, बच्चे भी आ गए माशाल्लाह। पहले बच्चों में तकसीम करेंगे, उसके बाद हम लोग खाएंगे। यहाँ पे भाभी और भाईजान जो है ना हलवा पूरी बना के बच्चों को दे रहे हैं। बच्चों को हम लोगों ने बोला प्लेट में खा लें यहीं पे बैठ के, तो बच्चे कह रहे नहीं हमें रोल बना के दे दो, हम लोग जो है ना घर में जाके खाएंगे। ये ले लिए कॉपी और उसमें जो है ना रोल बनाती जा रही है इस तरह के ना, ये देखो ये रोल बनाते जा रहे हैं और अभी रख रहे हैं क्योंकि जमा हो जाएंगे काफ़ी सारे बनेंगे तो फिर एक साथ बच्चों को दे देंगे, तो हम लोग फिर बाद में खाएंगे। तो यहाँ पे अम्मी जी भी आ गई हैं देखने के लिए हमारी पूड़ियों को और हमारी चाय भी रखी हुई, वो भी ठंडी हो गई। हम लोगों ने कहा पहले ये बना लें ताकि उसके बाद जो है ना चाय भी पियेंगे और पूड़ियाँ भी खाएँगे। अल्हम्दुलिल्लाह अभी जो है ना हमारी पूड़ियाँ बिल्कुल तैयार हैं, तो बच्चे जो है ना यहाँ पे जितनी बन गए थे ट्रे में तैयार थे रोल, तो हम लोग दे रहे हैं। बाकी जो है भाभी जान वहाँ पे पैक कर रही हैं रोल को, तो भाई जान देते जा रहे हैं और मैंने ट्रे को पकड़ लिया। मैंने कहा जल्दी जल्दी से दे लें तो फिर शाम हो जाएगी। मामी रोल बनाए बनाए, बस तीन चार बच्चे और बच गए हैं। तीन बच्चे, दो एक और बनाए, एक और दे दें। अल्हम्दुलिल्लाह सब बच्चों ने तकसीम कर लिया और जा रहे हैं, कैसे लाइन से जा रहे हैं, अच्छे भी लग रहे हैं। कह रहे हैं हम लोग घर जाके खाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह सब बच्चे लेके चले गए और इस घर वाले जो बच्चे हैं ना कहीं गए हुए थे अभी आए, तो फिर हम लोगों ने बुला लिया है। हम लोगों ने कहा बच्चों को भेज दें, तो दो बच्चियाँ जो है ना उनकी आ गई हैं यहाँ पे, इनको भी दे देते हैं बेचारियों को। ये लो आप भी लो, चलो जाओ। सबको दे दिया, अभी हम लोग घर वाले बच गए थे। दो सिस्टर बड़ी वाली वो मोटी सिस्टर जो वो नहीं खा रही, महक ने भी खा लिया और हम लोग अम्मी भी आ गए, साइम भी आ गए, हम लोग सारे मिलके खा रहे हैं। और बड़ी सिस्टर जो है ना, बड़ी सिस्टर जो है इसमें हलवा लेके मैं तो कहता हूँ बड़ी सिस्टर ना खाए तो अच्छी बात है। ये बात सही बोल रहे हैं क्योंकि इतने सारी बने अब हैं। अब से जो है ना इसका नाम मोटी सिस्टर नहीं है, लाडो सिस्टर है। आपने लाडो सिस्टर, सॉरी भाई, लाडो सिस्टर ने नहीं खाए। आज के बाद इसका नाम लाडो सिस्टर, लाडो सिस्टर। जितनी भी मेरी यूट्यूब की फैमिली है वो नाराज हो जाएगी अगर आप मोटो सिस्टर बुलाया। सॉरी सॉरी, मुझे नहीं पता, लाडो सिस्टर ने नहीं खाए और हम लोग इधर खा रहे। अम्मी ने चेक किया, अम्मी कैसा है हलवा? सही है, अच्छा है। मुस्तफा भी कह रहा मुझे रोल बना के दो, प्लेट में नहीं ले रहा। भाभी जो है ना बर्तन समेट के ले गई और मैंने कहा मैं यहाँ पे चटाइयाँ खा लेती हूँ। सब सिस्टर वगैरह भी अंदर चली गई, शाम हो गई है। अल्हम्दुलिल्लाह कचौड़ियों और हलवे का काम ख़त्म हो गया और बच्चे बड़ा खुश हो के घर पे चले गए। अभी बस अभी सब काम क्लोज करते हैं और वीडियो का करते हैं यहीं पे एंड। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो अपने बहन भाइयों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आने वाली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।